कोरोना वायरस से बचने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है उससे किसानों की आमदनी बहुत ज़्यादा घट गई है। इसके लिए तत्काल जो 2014 में संपूर्ण लागत का 1.5 गुना मूल्य फसलों का देने का वायदा सरकार ने किया था उसको इन्होंने पूरा करना चाहिए। दूसरा, इस वक्त जो रबी की फसलें उनकी खरीद का मौसम चल रहा है उन सारी फसलों को के ऊपर MSP के ऊपर 250 रुपये से लेके 500 रुपये प्रति क्विंटल की का अलग से बोनस देना चाहिए। इसी प्रकार से जो PM किसान योजना है, PM किसान योजना में 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। हमारा निवेदन है कि इस वक्त क्योंकि किसान बहुत ही मरणासन स्थिति में है तो इसलिए 6,000 रुपये रकम को बढ़ा करके 24,000 रुपये प्रति किसान परिवार प्रतिवर्ष किया जाए तो कुछ धन का प्रवाह जो है किसानों के पास पहुंचेगा। इसी तरह पैसा ना होने की वजह से कई काम किसानों के रुके हुए हैं। कटाई का है, आगे बुआई भी खरीफ की होनी है, इसके लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट को तत्काल 2 गुना कर देना चाहिए और उसके ऊपर जो ब्याज लगता है उसको 1% कर देना चाहिए। इसी प्रकार किसान के सभी कर्जे और जितनी भी किस्तें हैं इस मुश्किल वक्त में उसे 1 वर्ष के लिए निलंबित कर देना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि गन्ना किसानों का भी बकाया, यदि मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है और अभी भी करीब 20-25% गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है। तो हमारा निवेदन सरकार से ये है कि तत्काल सारा गन्ना खरीद करके किसान का और सारा भुगतान उसका बकाया भुगतान गन्ने का कर देना चाहिए।